तुली अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है। कांडा को पृथक विकास खंड का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने दूरस्थ गांव चंदोला में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया है। विकास खंड संघर्ष समिति ने कहा कि कांडा को पृथक विकास खंड का दर्जा नहीं मिलने के कारण क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। 95 वर्षीय संत निरंकारी सोहन सिंह रावत तथा संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद सिंह भंडारी ने कहा कि बीते कई सालों से कांडा को पृथक विकास खंड का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार इस मांग को नजरअंदाज कर रही है। लेकिन इस बार ग्रामीण आर पार की जंग के मूड में हैं। ग्रामीणों ने कहा कि विकास खंड की मांग को लेकर प्रत्येक गांव में आंदोलन किया जाएगा। आज कांडा विकास संघर्ष समिति का प्रमिकंशन ग्राम चंदोला में रखा गया, जिसमें समस्त ग्राम पंचायतवासियों द्वारा बढ़ चढ़ कर यहाँ पर भाग लिया गया और हमारे एडवोकेट साहब गोविंद सिंह जी यहाँ पर पहुँचे, हमारे निरंकारी संत यहाँ पर थे। समस्त ग्राम पंचायत वालों ने बढ़ चढ़ कर इस पर भागीदारी की और हम सभी यह चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास कांडा में या जहाँ पर भी वहाँ पर बने, इसके लिए हम सब एकजुट हैं और आगामी 9 नवंबर के लिए जो हमारी एक रणनीति बनी है कि हम वहाँ पर एक विशाल धरना प्रदर्शन बागेश्वर में करेंगे, उसके लिए आज हमने रणनीति बनाई है इसके लिए। और आज हम हर ग्राम पंचायत में एक एक दिन का धरना प्रवाह धरना वहाँ प्रदर्शन करेंगे और यह सिलसिला हमारा 9 नवंबर तक चलता रहेगा। इसलिए हमें सारे ग्रामीणों को एकजुट करना है कि हमें जो है विकासखंड चाहिए। विकासखंड के लिए हमारे प्रत्येक गांव वालों को ये पता चलना चाहिए कि वास्तव में विकासखंड हमारी आवश्यकता है। इस आवश्यकता के लिए हम संघर्ष को कुछ भी संघर्ष करना पड़े हम उस संघर्ष के लिए लगातार तैयार रहेंगे। आडा कम शहर विकासखंड के लिए कल हमने तहसील कार्यालय में कर्मी जंक्शन किया, उसके बाद आज 3 अक्टूबर से हमारा ये सबसे दूरस्थ गाँव आडा से लगभग 50 किलोमीटर से अधिक दूर का गांव चंदोला गांव में धरना प्रदर्शन किया और हम प्रत्येक ग्राम सभा में जा करके इस मुहिम को जारी रखेंगे और हमारा विकास खंड कांडा जो बहुत पहले से स्वीकृत है बागेश्वर में है उसको हम कांडा में लाने के लिए कृत संकल्प है। हमारा विकास खंड कांडा जो बागेश्वर में जिसका कार्यालय है उस कार्यालय को हम कांडा में लाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आज आप सभी लोगों ने एक बागेश्वर से दूरस्थ जो हमारा ये ग्राम सभा है यहाँ पर आपने यह प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, यहाँ के लोगों ने तथा ग्राम प्रधान जी ने अच्छी तरह से सहयोग देकर ये कहा कि हम हमारे लिए बागेश्वर बहुत दूर हो गया है, यह बहुत ही जरूरी है कि हमारा कांडा विकास खंड कांडा के नजदीक ही दिया जाए और सरकार को इसको आगाह करने के लिए हम प्रत्येक ग्राम सभा में ये संघर्षरत रहेंगे और क्रमिकंशन करते हुए सरकार को जगाएंगे। आज हम लोग बागेश्वर जनपद के आखिरी गांव चंदोला में आए हुए हैं। हमारे चंदोला के ग्राम प्रधान बहन और उनके अन्य गांववासियों ने बहुत सुंदर तरीके से आज हमारे विकासखंड स्थापना दिवस के संघर्ष समिति की जो बैठक की उसकी बड़ा सुंदर आयोजन किया है और हमने जैसा कि विकासखंड कांडा की स्थापना की संघर्ष के लिए निर्णय लिया था कि हम लोग 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन तहसील कांडा में उपवास करेंगे, उसके बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक दिन का हम धरना और यह दंगे और उपवास करेंगे। तो उसी क्रम में आज यहां पर चंदोला में उपवास का कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की और ये तय किया गया कि कल को ठांगा में और उसके बाद फिर नरगोली में
फिर खाती गांव में, फिर राव सेरा में, तो फिर धारी मध्या में, इसी प्रकार हर गांव से लगे हुए ग्राम पंचायत में कार्यक्रम किया जाएगा, जिससे कि गांव-गांव में जागरण का अभियान शुरू हो सके और 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम बागेश्वर जनपद में एक जबरदस्त रैली का आयोजन करेंगे और उस रैली में हम राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को ज्ञापन देंगे कि हमारे कांडा विकासखंड जो कि सन 1953-54 में कांडा के लिए स्वीकृत हुआ था, वो कतिपय कारणों से बागेश्वर में ही वो रह गया था और अब उस विकासखंड को त्वरित नए विकासखंड के रूप में जो कांडा में स्वीकृत किया जाए, तो इस क्रम में हमारा ये कार्यक्रम आज का बहुत सफल रहा है। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।